कर दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक की सीधी बातचीत, जानते हैं उनका क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? गीता मिलानी। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? हम तो बचपन से जुड़े हुए हैं, कुछ याद ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही यहाँ से खानदान से ही जुड़ रहे हैं यहाँ से, और हम तो बचपन से। कैसा माहौल लगता है आपको, बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो डेरा सच्चा सौदा के बारे में? बहुत ही अच्छा, क्या तारीफ की जाए, बहुत ही अच्छा हमें महसूस होता है। यहाँ आके कुछ ऐसा ही सुकून मिलता है जहाँ कहीं जा कहीं पूरे देश में पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता हमें, जो यहाँ आके हमें ये सुकून मिलता है। लेकिन मीडिया में तो काफ़ी लग प्रचार किया जा रहा था, क्या कहना चाहो? हम गौर नहीं करते, लोग चाहे कुछ भी कहें कुछ भी बोल लें, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हमारा सतगुरु क्या है, हमारे लिए क्या है। उनके बारे में जो भी आरोप लगाए जा रहे थे, क्या लगता है आपको? ये सब कुछ गलत है, ये साजिश है, ये फंसाने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन रियल में ऐसा सब कुछ नहीं है, ये झूठे आरोप लगाए गए हैं वो हमारे को पता है। सच क्या है फिर, गुरु जी का नेचर स्वभाव कैसा है? सतगुरु जी हमारे लिए तो सब कुछ हैं, वो देश के लिए इतने भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को ये सब तो दिखता नहीं है, तो गलत आरोप जो लगाए गए हैं झूठे, वो दुनिया को सब कुछ दिखता है। जो इतने नेक कार्य किए गए हैं, इतने मानवता भलाई के कार्य किए गए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं करके गया जो पिताजी कर रहे हैं। क्या आज आपको लगता है ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन गलत आरोपों के कई जनों को फंसा दिया गया है ऐसे, लेकिन देश में बहुत ज़रूरत है ऐसे संतों की। क्या अपील, क्या मांग करना चाहोगे आप सर? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो गलत आरोप लगा के पिताजी को भेजा गया है, कि उन्हें जल्दी से जल्दी बरी करके वापस देश में भेजें, और जो गलत काम हो रहे हैं पिताजी उनका सुधार करें, जो अपने देश का सुधार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील की जा रही है कि संत जी समाज में आने चाहिए, और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।